के बाद आपका स्वागत है। सूबे के सियासी गलियारों में इन दिनों एक चर्चा जोरों पर है। चर्चा बिहार के बाद ओवैसी की पार्टी AIMIM की मरुधरा में दस्तक की। इन संभावनाओं ने सियासी दलों के कान खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने अभी से मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने इन चर्चाओं पर पहली प्रतिक्रिया दी और ओवैसी को BJP का एजेंट करार दिया है। राजस्थान का सियासी मिजाज कुछ अलग है। यहाँ सत्ता में आना जितना मुश्किल है, उसे कहीं ज्यादा मुश्किल है सत्ता बचाना, और उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल तीसरा मोर्चा खड़ा कर पाना। कितनी ही पार्टियां आई और चली गई, लेकिन तीसरा मोर्चा खड़ा नहीं कर पाई। वहीं अब बिहार चुनाव में 5 सीटें फतह करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्साह में है और मरुधरा की राजनीति में दस्तक देने की तैयारी में है। ओवैसी की पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी और लोजपा जैसे प्रमुख पार्टियों से न केवल ज्यादा सीटें जीती बल्कि ज्यादा मत प्रतिशत भी हासिल किया। सीमांचल के इलाके में ओवैसी की पार्टी का मुसलमानों के बीच दबदबा देखा गया। बिहार के बाद बंगाल की तैयारी है, फिर हिंदी भाषी क्षेत्रों की। खासतौर पर राजस्थान में तो ओवैसी की पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है। राजस्थान में 13% मुस्लिम आबादी मानी जाती है। राजस्थान विधानसभा में भी 8 मुस्लिम विधायक है। ये सभी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से पोकरण विधायक साले मोहम्मद को गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। वहीं अमीन खान, जाहिदा खान, अमीन कागजी, रफीक खान, हाकम अली, वाजिब अली, साफिया जुबेर शामिल है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब अपनी पार्टी का विस्तार दूसरे राज्यों में भी करना शुरू कर दिया। अभी ओवैसी का पूरा फोकस बंगाल चुनाव पर है, तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस से असंतुष्ट मुस्लिम नेता AIMIM की राजस्थान में एंट्री कराने को भी ताब है। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस के नेताओं की कान खड़ी कर दी है। कांग्रेस नेताओं ने ओवैसी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि ओवैसी BJP के एजेंट है, उनका सांप्रदायिक एजेंडा राजस्थान में कांग्रेस पूरा नहीं होने देगी। जो देश की एकता अखंडता के लिए संकल्प रखते हैं कि हम देश को एक और अखंड रखने का संकल्प लेते हैं, हम सारे धर्मों का, सारे जातियों का, सारे समाजों का एक के प्रति सम्मान और सद्भाव रखते हैं, ऐसी ताकतों को कमजोर करने के लिए ओवैसी प्रधानमंत्री जी के एजेंट के रूप में काम करते नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते नजर आते हैं। और मुझे विश्वास है कि देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाली जो ताकतें हैं, वो ओवैसी हों चाहे कोई और हो, उनको राजस्थान में नकारेंगे और अगली सरकार राजस्थान में कांग्रेस की फिर से। कई मुस्लिम संगठनों के नेताओं की AIMIM के नेताओं के साथ बैठकें हो चुकी हैं और जल्द ही राजस्थान में AIMIM का संगठन खड़ा करने की तैयारियां भी चल रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के समर्थन में इन दिनों मुस्लिम संगठन और कांग्रेस से असंतुष्ट नेता लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाकर लोगों से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो AIMIM राजस्थान ने करीब प्रदेश की 40 सीटों का खाका तैयार किया है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और करौली जैसे प्रमुख जिलों पर AIMIM का खास फोकस है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी 40 से 50 हजार से ज्यादा है। वहीं राजस्थान के मुस्लिम बहुल्य विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो आदर्श नगर, किशनपुर, हवा महल, टोंक, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, पुष्कर, मसूदा, अजमेर शहर, तिजारा, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, कामा नगर, बीकानेर पूर्व, सरदार शहर, सूरसागर, शिव, पोकरण, मकराना, चूरू, फतेहपुर, धौलपुर, नागौर, डीडवाना, मंडावा, नवलगढ़, झुंझुनू, सीकर, दातारामगढ़, लाड़नू, बाड़मेर, जैसलमेर और लाड़पुरा जैसे विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित हो सकते हैं। राजस्थान में ओवैसी की पार्टी के दखल से कांग्रेस की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ओवैसी का फोकस उसी वोट बैंक पर है जिसे परंपरागत रूप से कांग्रेस का माना जाता है। जिस तरह का नुकसान बिहार में ओवैसी ने महागठबंधन का किया, वैसा ही नुकसान राजस्थान में ओवैसी की पार्टी कांग्रेस का कर सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल की तैयारियों पर अंदर खाने चर्चा शुरू हो चुकी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के योगेश शर्मा की रिपोर्ट।